जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जेटी बिल इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेटी बी एल इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी, कंप्लीट गाइड के इंटरव्यू में जो है वो किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली आपसे जो है वो इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा आपके। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? आप अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें उसको, बल्कि राइट करके लिख लें अपने पास। आपका नेम हो उसके अंदर, आपका एड्रेस हो, मतलब आपका होम टाउन आप बताएं कि आप इस सिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरा जो है वो आप ये बताएं कि आप के करंट क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप करंटली क्या कर रहे हैं, और जो आपसे इससे पीछे क्वालिफ़िकेशन थी उसके बारे में भी आप बताएं। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो उसके बारे में भी आप लाजमी डिस्कस करें, मतलब अगर आपने कोई पोजीशन ली हुई है तो वो भी। इंशाल्लाह मैं अपने सेशन में जो है वो इसका कंप्लीट गाइड करूँगी कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगी ये सारे हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। रोज़ का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया करेंगे कि आपने उसको कैसे राइट करना है, ठीक है? तो उसकी 500 फ़ी है। आप जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा आपको डेली बेसिस पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो वो कल से स्टार्ट है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे बाद ना वो आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ सकता है, मतलब कि अगर आपके फादर की ज़मीन है, ठीक है, तो वो कितनी है, उन पर कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, या कितनी ज़मीन है, मतलब वो आपकी ज़मीन के, आपकी जो लैंड के अबाउट आपसे क्वेश्चन कर सकता है। फिर रिलेटेड टू डिग्री, जो आपकी डिग्री है ना उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है? तो अपनी डिग्री के बारे में आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर आप अच्छा सा तैयार करके जाएं। फिर हाउ यू रिलेट योर डिग्री विद दिस पोस्ट, मतलब जो ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट है आप अपनी डिग्री को कैसे उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह ये भी मैं अपने सेशन में आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए कि अगर किसी का मैथ है या किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है तो वो अपनी डिग्री को कैसे जो है वो इस ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट के साथ रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस पोस्ट, आप ये क्यों आना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप इस पोस्ट, इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्यों आना चाहते हैं। फिर ZTBL के बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ZTBL की सैलरी कितनी है, इसकी प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, और जो ऑफिसर ग्रेड 3 है ये क्या है जॉब, ठीक है? वो आपसे ऑफिसर ग्रेड 3 के बारे में मतलब सारे क्वेश्चंस कर सकता है। इसके बारे में आपको इस पोस्ट के बारे में सारा पता होना चाहिए। ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट, ये MCO की पोस्ट होती है ना, ये फील्ड रिलेटेड पोस्ट होती है, ठीक है? वो आपसे पूछ सकता है कि MCO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो AMO है ना, AMO का मतलब होता है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। ये फीमेल्स ना MCO नहीं ज़्यादा प्रेफर करते वो, क्योंकि ये फील्ड एरिया में काम होता है तो ये फीमेल्स को नहीं दिया जाता, फीमेल्स को बैंक में ही दिया जाता है, और वो AMO की पोस्ट होती है। 90% फीमेल्स को जो है वो AMO की पोस्ट मिलती है, 10% ही मेल्स होते हैं अगर वो AMO लग जाए तो, वैसे वो सारे जो हैं वो MCO की पोस्ट पे ही होते हैं, ठीक है? तो आपसे ये AMO के बारे में सवाल हो सकता है कि ये क्या है। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन होने चाहिए आपको ZTBL के बारे में, मतलब कि ZTBL क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, या इसका ओल्ड नेम क्या है, या इस कितनी ब्रांचेज हैं आपके एरिया में, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, और ये ZTBL की स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है? ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर अगर आप एग्रीकल्चर या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है? क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर वालों को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी मेरिट पे, अगर बाकी सब्जेक्ट वाले मेरिट पे आ रहे होंगे तो उनको दी जाएगी, ठीक है? लेकिन जो एग्रीकल्चर और कॉमर्स वाले लोग हैं इनसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी वो कर सकता है। फिर व्हाई यू प्रेफर बैंकिंग जॉब्स, आपने बैंकिंग जॉब्स को ही क्यों प्रेफर किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर, कि आपने बैंकिंग जॉब्स को ही क्यों प्रेफर किया, इतनी सारी जॉब्स हैं आप वहाँ पे क्यों नहीं गए। फिर अबाउट बैंकिंग टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं,
मतलब लोन वगैरह के बारे में, और प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट लॉस के बारे में पूछा जा सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और ये जो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं जैसे प्लेजी प्लेजर का, मतलब ऐसे इन सारे रिलेशंस के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है अबाउट द क्रॉप्स ऑफ योर एरिया, कि आपके एरिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एरिया भावनगर है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर कॉटन होती है, ठीक है, कॉटन सबसे ज़्यादा होती है। तो वो पूछ सकते हैं कि भाई कॉटन जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को अगर आप रीड कर लें उस पीडीएफ को, तो आपको पता हो जाएगा कि 2023 से 24 तक किस क्रॉप ने कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके एरिया के जो फार्मर इशूज़ हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए, आपके एरिया की सॉइल कंडीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं वैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर वो आपसे पूछ लेता है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन ZTBL, तो आप इसका कैसे आंसर कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मैं अपने सेशन में ऐसे बताऊँगी आपको, ठीक है। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन ZTBL, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि इस पर जो है वो मेरिट बेस्ड प्रमोशन होती है, ठीक है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होती है ZTBL में, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब परफॉर्मेंस रिपोर्ट के, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाती है, उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे आपकी मेरिट बेस्ड प्रमोशन होती है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स पर, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसके जो है डिफाइंड सर्विस स्ट्रक्चर है, मतलब कि पहले आप OG3 होते हैं, उसके बाद आपका OG2 में ट्रांसफ़र मतलब प्रमोशन हो जाती है, फिर OG1 में फिर आप वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो इसका ना एक क्राइटेरिया होता है कि इतने इयर्स में आप का प्रमोशन होना है OG3 से 2 में, ठीक है। ये सारा मैं आपको बताऊंगी कि कितना अरसा लग जाता है आपको प्रमोशन में। तो इस तरीके से इंशाल्लाह मैं अपने सेशन में आपको हर क्वेश्चन का आंसर एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी, और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि कल से जो है वो हम अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकें।